आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी और लाभदायक वस्तु की जानकारी देने जा रहे हैं जिसका नाम शायद हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं सुना हो। इसका नाम है हत्ता जोड़ी। अब आप कहेंगे या सोचेंगे आखिर यह क्या है, और मैं आपको कैसे कह रहा हूं कि यह एक चमत्कारी वस्तु है, एक चमत्कारी चीज है। हाँ जान, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है और विद्वानों का ऐसा मानना है कि विश्व में यह एक अनोखी चीज है। कैसे है ये अनोखी चीज, क्या होती है यह, कैसे हमें इसको अपने पास रखना है, अपने काम में लेना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। परंतु उसके पहले आपसे यही कहना चाहूंगा मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शक नहीं है कि अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए और आपको वह अच्छे से समझ में आ जाए, मुझे सरल शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि आपके और मेरे बीच में कोई गैप ऑफ कम्युनिकेशन ना रहे। जो मैं समझाना चाहता हूँ सरलता से आपको समझ में आ जाए। कई विवश शायद हो सकता है कि वो झुंझलाहट में एक दो मिनट का वीडियो सुनने के बाद में बंद कर देते हैं। देखिए, अपनी अपनी सबकी सोच होती है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं केवल और केवल आप लोगों के लिए और हम सब के लिए यह बातें शेयर करता हूँ। तो हम अपने विषय पर आते हैं, और विषय है हत्ता जोड़ी एक चमत्कारी चीज कैसे है, इसके क्या उपयोग है, किस तरह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से कैसे हमें इसे रखना चाहिए आदि आदि, इन सब बातों की मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक वनस्पति की जड़ है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे भारत में, हमारी इंडिया में ना केवल हम देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं, बल्कि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, हम जड़ों की भी पूजा करते हैं। तो हमारा ये जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, और हमें जो इनसे लाभ मिलते हैं, वो अपने आप में अद्भुत होते हैं निश्चित रूप से। तो पहली बात तो यह हो गई कि प्लांट की जड़ है। दूसरी बात यह है कि यह भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, और जो वनवासी होते हैं, जो वनों के आसपास, जैसे ज़्यादातर यह मध्य प्रदेश के इलाके में मिलती है, मध्य प्रदेश के वनों में मिलती है, तो वो जो वहाँ के लोग हैं उनको इसकी बहुत अच्छे से पहचान होती है, और वो लोग वहाँ से प्राप्त करते हैं। इसे, इस जड़ को हत्ता जोड़ी क्यों कहते हैं?
मनुष्य के दोनों हाथ यदि मुट्ठी बंद करके हम उसको दोनों हाथों को दिखाएं, एक साथ दिखाएं, मिलाकर जोड़कर दिखाएं, तो सेम टू सेम वही पिक्चर जो हमारे दोनों हाथों की जो मुट्ठी बंद है उस तरह का पिक्चर उस जड़ में स्वतः ही निर्मित होता है। इसका जो पिक्चर है मैं अपने बैकग्राउंड में भी डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और यही कारण है कि इसे हत्ता जोड़ी बोलते हैं, और इसमें आपको नुकीले नाखून जैसे भी दिखाई देंगे, मोस्टली तो दो दो नाखून जैसे दिखाई देते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि यह जड़ कहाँ से हमें प्राप्त होगी। सामान्यतया जो आध्यात्मिक और पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं वहाँ हमें यह मिल सकती है। सवाल है कि वह असली है या नकली है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है, जिसे हम दुर्लभ वस्तु भी कह सकते हैं। तो दुर्लभ होने के कारण स्वाभाविक है कि व्यवसायी वर्ग हो सकता है कि प्लास्टिक की बनाकर मार्केट में बेचने के लिए डाल दे, और हो सकता है कि व्यवसायी के पास में यह असली भी हो। मैं आपको यहाँ हल्की सी जानकारी दे देना चाहता कि कम से कम 200 रुपये और उससे ऊपर अगर असली वाली जड़ है आपको प्राप्त होगी। अब आप ये पूछने की हिमाकत प्लीज ना करें कि इसकी पहचान क्या होगी। यह पहचान तो देखिए, जो व्यापारी जिससे आप प्राप्त करते हैं उसी से और उसको विश्वास में लेकर आपको पूछना पड़ेगा कि भैया ये बता दो हमें असली है या असली नहीं है। अगली बात पर हम आते हैं कि इसको सिद्ध करना होता है। कई अलग अलग अवसरों पर इस जड़ी बूटी को सिद्ध किया जाता है, हत्ता जोड़ी को सिद्ध किया जाता है। जैसे रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है, होली का टाइम है, दीपावली का टाइम है। अभी सामने हमारे दीपावली आ रही है, और इस दीपावली के अवसर पर हम इस हाथा जोड़ी को सिद्ध कर सकते हैं। आप दिवाली के पहले ही इस हत्ता जोड़ी की व्यवस्था निश्चित रूप से कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि हत्ता जोड़ी के साथ एक आपको चांदी की इतनी बड़ी डिब्बी भी चाहिएगी जिसमें कि वह हत्ता जोड़ी आसानी से रखी जा सके। एक सिल्क का कपड़ा रेड कलर में इतना बड़ा होना चाहिए कि हत्ता जोड़ी आराम से उसमें लपेटने में आ जाए। सिंदूर होना चाहिए, थोड़ा गाय का घी होना चाहिए, और एक चांदी का सिक्का भी होना चाहिए। आप इसे इनकी व्यवस्था करके दिवाली के दिन जब आप पूजा की व्यवस्था करें, दीपावली पूजन की व्यवस्था करें, उस समय आप वहाँ जहाँ दिवाली पूजन हो रहा है वहीं पर एक अलग आसन पर आप हत्ता जोड़ी को चांदी की डिब्बी में और उसमें लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर सिंदूर जो घी पर घी से तैयार किया हुआ हो, घी में घी डालकर तैयार किया हो, उस पूरी हत्ता जोड़ी पर लगा दे, उसमें रख दे, और एक चांदी का सिक्का भी उसके साथ में रख दे। आपको ध्यान होना चाहिए कि यह जो हत्ता जोड़ी है
इसके संबंध में इसका संबंध माँ चामुंडा देवी से है। इसलिए आप चामुंडा देवी का स्मरण करें, इस हत्था जोड़ी को उत्तर फेसिंग या पूर्व फेसिंग दोनों में से किसी भी तरफ आप आसन देकर रख सकते हैं। चामुंडा देवी का स्मरण करके आपको चामुंडा देवी का मंत्र उच्चारण भी करना है, और यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। और इस प्रकार से मंत्र द्वारा उसकी उसको सिद्ध करने कर लिया जाता है। दीपावली की पूरी रात वहीं उसे जहां आपने लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था करी है उसी कक्ष में आप इसे रखे रहने दे। अगले दिन आप चांदी की डिब्बी में रखी उस हत्था जोड़ी को ले, और यदि घर में रखना चाहते हैं तो घर की तिजोरी में आप उसे रख दें। ध्यान रहे कि तिजोरी में रखने के बाद भी आपको प्रतिदिन उसके धूप अगरबत्ती करनी होगी। घर में अगर हमें सुख शांति चाहिए, इसे हम पूजा की ताक के पास उत्तर या पूर्व मुखी होकर हम उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में इसे रख सकते हैं। इससे घर में ना केवल सुख शांति ही रहेगी बल्कि जो घर की नकारात्मकता है हमें उससे भी मुक्ति मिलेगी, सकारात्मकता का प्रवेश होगा, स्वास्थ्य लाभ भी हमें मिलेगा। अच्छी बात सबसे यह है कि यदि किसी भी प्रकार और किसी भी ग्रह का दोष सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र राहु या केतु इनमें से किसी का भी है तो ग्रहों के दोष भी इससे शांत होते हैं। मैं आपको यहाँ पर आगाह करना चाहूँगा कि हालांकि यह तांत्रिक लोग ज़्यादा हाथा जोड़ी को काम में लेते हैं परंतु गृहस्थ जीवन को सुखी समृद्धि निरोगी बनाने के लिए हम लोग भी इसे एक सकारात्मक सोच रखते हुए घर में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रयोग हमें सही तरीके से सही उपयोग के लिए ही करना चाहिए। यदि हमने इसे पूजा कक्ष में स्थान दिया है और जो सिंदूर इस पर लगा हुआ है उस सिंदूर से माथे पर तिलक करते हैं तो यह एक सम्मोहन करने वाला तिलक होता है। कहने का मतलब अगर हम नौकरी पर जाते हैं अपने अधिकारियों को एक तरह से अच्छे रूप में प्रभावित कर सकते हैं, अगर हम एक व्यापारी है तो ऐसी परिस्थिति में अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। कुल मिलाकर वैसे जो तांत्रिक
लोग बोलते हैं इसे कहते हैं वशीकरण करना, लेकिन हम उसको हिप्नोटाइजेशन ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारे चेहरे पर एक ग्लो आता है, हम जो बोलते हैं जो वाक शक्ति है उसमें एक वृद्धि होती है और हमारा जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वह बढ़ता है। दिमाग और दिल से हमारे जो एक डिप्रेशन वाली चीज है वह हट जाती है, विल पावर स्ट्रोंग होती है। तो इस तरह से जब हम तिलक अपने आज्ञा चक्र यानी कि माथे पर लगाते हैं उसके बहुत से लाभ हमें होते हैं, किसी की बुरी नज़र हमारे ऊपर नहीं लगती है। और तो और जिस घर में हता जोड़ी होती है वहाँ ना केवल वास्तु दोष दूर होते हैं बल्कि उस पर अगर किसी की बुरी नज़र लगी हुई भी है तो वह भी बुरी नज़र हट जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली दिवाली पर यदि आपको कहीं से हाथाजोड़ी की व्यवस्था हो जाती है आप निश्चित रूप से उसे आप क्रय करके और विधि विधान से उसको उसकी पूजा अर्चना करके जो तरीका बताया है उसे घर में तिजोरी में रखें या पूजा कक्ष में किसी उत्तर अथवा पूर्व दिशा के अंदर उचित आसन देकर रखें या व्यापार में आप अपने गले में रखें ताकि व्यापार दिन दुना रात चौगुना प्रगति करता रहे और धन के आगमन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, आपका भविष्य अच्छा रहे, सुखद रहे, स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।